आज के वक्त में फिल्म मेकर्स ने हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए एक बीच का रास्ता चुन लिया है, ताकि दर्शक हंसते भी रहे और डरते भी रहे, और उसे समझ ही नहीं आए कि वो डरने वाली जगह कहीं हंस तो नहीं रहा है। इस जॉनर में गोलमाल अगेन बुरी फिल्म होने के बावजूद चल निकली थी, जबकि स्त्री बढ़िया फिल्म थी और सफल भी। और अब अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी इस जॉनर की ताजा फिल्म है, लेकिन शायद मेकर्स इस फिल्म के जरिए दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए। लक्ष्मी हिट तमिल फिल्म कंचना का हिंदी रीमेक है, जो टेलीविजन पर कई बार दिखाई जा चुकी है। लक्ष्मी में कॉमेडी हॉरर के साथ साथ इमोशन और मैसेज भी है, लेकिन फिल्म में ये सभी बिना किसी कारण के फिल्माए गए हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपको जोर जबरदस्ती कर हंसाने की या डराने की कोशिश कर रहा है। माहौल बनाए बिना ये कोशिश निरर्थक लगती है, और लक्ष्मी का ज्यादातर हिस्सा इसी बात का शिकार है। फिल्म का शुरुआती एक घंटा निराशाजनक है। इस हिस्से में कॉमेडी को महत्व दिया गया है, जो कि एकदम सपाट है। बीच बीच में हॉरर सीन आते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आपकी चीख निकल जाए, और अधिकतर सीन्स में जल्दबाजी नजर आती है। फिल्म में आसिफ यानी अक्षय कुमार और रश्मि यानी कियारा आडवाणी की कहानी है, जिनकी शादी से रश्मि के माता पिता खुश नहीं है। रश्मि के माता पिता की शादी की 25वीं सालगिरह है, और वो उसे मनाने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। यहाँ पर आसिफ के अंदर एक भूत प्रवेश करता है, जो ट्रांसजेंडर है। इसको भगाने के लिए हिंदू बाबा मुस्लिम बाबा का सहारा लिया जाता है, तो पता चलता है कि इस भूत का नाम लक्ष्मी है, जो बदला लेना चाहती है। कहानी ऐसी है जिस पर तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है। हॉरर फिल्मों का मजा लेना हो तो ज्यादा लॉजिक की बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मनोरंजन हो तो दर्शक बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन लक्ष्मी में मनोरंजन की खुराक भी भरपूर नहीं है। फिल्म को देखने के बाद अनसुलझे कई प्रश्न उठते हैं। लेखक राघव लॉरेंस को लगा कि हॉरर और कॉमेडी के बीच दर्शक ये बात भूल जाएंगे, लेकिन मनोरंजन की आड़ में वो अपनी इस कमियों को छुपा नहीं पाए। अंतिम 45 मिनट में फिल्म में थोड़ी जान आती है, जब लक्ष्मी की कहानी पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रांसजेंडर के प्रति समाज के नजरियों को लेकर भी बातें की गई है, जो दर्शकों को ज्ञान की तरह लगा। निर्देशक के रूप में राघव लॉरेंस ने कहानी को बहुत ज्यादा नाटकीय तरीके से पेश किया है। वहीं कलाकारों को तो उन्होंने अच्छे चुने हैं, लेकिन उनसे ओवर एक्टिंग कराई गई है, जिसकी जरूरत नहीं थी। फिल्म का संगीत औसत दर्जे का है। बुर्ज खलीफा मिसफिट है। बम भोले का फिल्मांकन शानदार है, और ये फिल्म में ऊर्जा पैदा करता है। अक्षय कुमार अपने अभिनय के दम पर फिल्म को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रीन प्ले के कारण उनकी ये कोशिश कम साबित होती है। कियारा आडवाणी के पास चंद सीन और सुंदर लगने के अलावा करने को कुछ नहीं था। छोटे रोल में शरद केल कर असर छोड़ते हैं। कुल मिलाकर लक्ष्मी उन फिल्मों के लिए भी निराशा लेकर आती है जो मसाला फिल्मों के शौकीन है।